हेलो, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिला 96 विधानसभा में धरातल पर जमीनी स्तर पर एग्जिट रिपोर्ट माहौल क्या है उसके बारे में यहाँ के वोटर जनता प्रतिनिधि हमारे बीच सबसे बुजुर्ग और अनुभवी माननीय तिवारी जी विद्यमान है, वो बताएंगे। दादा, यहाँ का माहौल किसके पक्ष में जा रहा है? अब खींच का भय निर्णय नहीं बाबा जी, और अपना दल के बीजेपी लड़े खुद, वो तो अपना कर दल और बीजेपी का गठबंधन है यहाँ शायद। बीजेपी लड़े तो पार कर ले, हाँ कैंडिडेट बदल नहीं तब अपना दल का कल्याण हो सके। अच्छा अच्छा, और सपा का माहौल का है यहाँ पे? सपा का माहौल मीडियम बा, कोनो खास नहीं बा जी। 70-30 की लड़ाई है, 70-30 की लड़ाई है। असल में बदल, आइए मेदी का जी कबल है। भारतीय जनता पार्टी का नाम सपा का जो है 30 का नाम लिखते हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी नाम। जी त्रिपाठी जी बताइए जी, 70-30 की लड़ाई चलेगी यहाँ मिर्जापुर जिले में, जो कि सपा के जो है 30 रहेगा और भारतीय जनता पार्टी प्लस जो है अपना दल एस जो है वो 70% पे रहेंगे। और बहुजन? बहुजन समाजवादी का इस समय जन आधार नहीं है। मायावती जी तो बोल रही हैं कि हमारे वोट है नहीं, मिर्जापुर जिले में उनका है लेकिन जो है वो 2-4% बस इस बार जो है, और 2-4% नहीं हुआ जी। जी नहीं, वो सारे जो है कन्वर्ट हो गए हैं, सब बीजेपी की तरफ हैं इस समय जी, और योगी जी को सिर्फ देख रहे हैं, अपना इस समय नेता मान रहे हैं सब जी। जी और वही है आगे का जो है। तो योगी के साथ जाने का क्या मतलब होता योगी है? योगी के साथ जाने का मतलब है विकास की रफ्तार में कोई बाधा न देना, कोई ब्रेक न लगाना। जो इस समय विकास वाले तो बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं। नहीं, धर्म मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ा जा रहा है, ऐसा है ना कि राम के नाम पर लड़ा जा रहा है, कई मुद्दा है। नहीं, अपना जो है नहीं, अपना इस समय धर्म का मुद्दा भी जरूरी था, कोई जगाने वाला विकास दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमारे बीच यूपी 96 विधानसभा के तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा के एक प्रबल दावेदार होते हैं और समर्थक भी हैं। आज उनके बारे में हम राय जानते हैं, यूपी का माहौल क्या है, यूपी चुनाव चल रहा है जी, बताइए तिवारी जी। योगी जीत रहा है, जीतेगा योगी जीतेगा, योगी जीत रहा है जीतेगा। यहाँ तो अखिलेश बोल रहे हैं कि हम अखिलेश की सरकार आ रही है, अखिलेश 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 सब पुर रहे हैं, सिर्फ योगी जी, योगी जी। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं दादाजी? योगी योगी सब योगी वाले हैं, योगी वाले हैं, आदित्यनाथ योगी जौन हो योगी। मायावती को आप नहीं जाने जाएंगे? मायावती के साथ नहीं देंगे आप? ना, आपकी बहुत भी आदर तो मायावती को दिया जाए, चमार बहु राज इसलिए आप योगी के साथ में हैं। हम लोग सब योगी, उत्तर प्रदेश में 3 हिस्सा योगी, 1 हिस्सा में सभी पार्टी। अच्छा अच्छा, 3 हिस्सा योगी लेंगे वोट। तो योगी में ऐसा क्या है कि आप लोग उनके साथ हैं? अरे वो बहुत काम किए, काम किया है। सपा वाले बोलते हैं कोई काम नहीं किया, धर्म के बाद काम कहना के राम मंदिर योगी की शक्ति रही बनवाए, कौन नेता बनवाए? अच्छा अच्छा अच्छा, राम मंदिर योगी ने बनवाया। और क्या उपलब्धियां योगी मोदी बड़े काम के आदमी? अब दो शब्द कुछ जनता के लिए कहिए। धान जो धान का परेशानी कह रहा है, पूछिए धान की परेशानी है, धान नहीं बिक्री हो रही है, नहीं बिक्री हो रही है, उठा दिखा बावन थे इन लोगों के, चाहे कि मिल के मिलर के खाते में सब पैसा दें, मिलर सबके किसान के ट्रांसफर करें, एक रेट निश्चित कर दें,
मिलरन बदे कि यही रेट से तू ले, क्योंकि वो डीजल पानी खर्चा नहीं तो गवर्नमेंट तो रेट फिक्स कर दिया 1940 रुपए कुछ करके है यहाँ। हाँ तो रेट फिक्स किया है, लेकिन मिलर जब अपने से धान उठाते हैं तो लेबर खर्चा, ट्रैक्टर खर्चा, भाड़ा नहीं, वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आपने कहीं शिकायत नहीं किया होगा इसका, वो भी गवर्नमेंट दे रही है। उसमें रहता क्या है, 1 रुपए प्रति बोरी लेबर खर्चा है। हाँ धान परेशान कर दिए हैं, खाद ही नहीं दे रहे हैं। अच्छा, फिर भी आप योगी के साथ हैं? हाँ, लोग रहेंगे कुछ भी करें।